टुडे वी विल डू द चैप्टर लीनियर इक्वेशन. और ये जो चैप्टर है ये स्टैंडर्ड सिक्स का है, सिक्स क्लास का चैप्टर है. सो इन दिस वीडियो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसका मीनिंग पढ़ लेते हैं. फिर भाई डिफरेंट मेथड्स टू सोल्व इक्वेशन, ये मेथड की बात कर रहा हूँ ना, इसमें हम करेंगे ट्रायल और एरर मेथड, सिस्टमेटिक मेथड और ट्रांसपोजिशन मेथड. फिर जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना उसके बारे में पढ़ेंगे. जो वर्ड प्रॉब्लम है ना बच्चों को बड़ी डिफिकल्ट लगती है, उसको कैसे सोल्व करें. और जितनी भी एक्सरसाइज है मैंने कोशिश करी है कि उनके सॉल्यूशन मैं आपसे शेयर करूं. लीजिए स्टार्ट करते हैं. देखिए सबसे पहले मैं आपको लीनियर इक्वेशन का मीनिंग बताता हूँ. ये दो वर्ड है इसमें, इक्वेशन पहले ले लेता हूँ. देखिए इक्वेशन का मीनिंग होता है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग इक्वल टू साइन. अगर ये सिंबल होता है उसको इक्वेशन कह देते हैं. कैसे, अगर मैं आपको कहूं कि भाई x प्लस 3 इक्वल टू 7 है तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये बिल्कुल है इक्वेशन. क्यों है इक्वेशन, तो रीजनिंग ये हो जाएगी इसमें इक्वल टू का साइन है. लेकिन अगर आपसे पूछे भाई 2x माइनस में 8 ये लीनियर इक्वेशन है, ये बिल्कुल नहीं है. क्यों, इक्वल टू साइन इज मिसिंग. इस वर्ड का मीनिंग है ना, आपने देखो जहां पे इक्यू आ जाता है ना उसका मीनिंग इक्वल हो जाता है. मैं ऐसे वर्ड बताता हूँ दो तीन वर्ड, तो कुछ वर्ड्स में से आपको याद दिलाता हूँ. एक आपने इक्वेटर सुना होगा. इक्वेटर क्या होता है, इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, आई थिंक उसको इक्वेटर कहते हैं. फिर आपने इक्वल टू सुना है, बराबर होता है. फिर आपने इक्विटी सुना होगा. तो जहां पे ये ई क्यू यू प्रीफिक्स आता है ना इसका मीनिंग इक्वल होता है, वो कहीं ना कहीं इक्वल को सिग्निफाई करता है. तो मैंने आपको यही बताया है कि इक्वेशन बनने के लिए इक्वल टू का साइन होना बहुत जरूरी है, राइट. क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बताता हूं. आपसे पूछा जाता है भाई इनमें से बताइए कि ये 7x माइनस 8 इज इक्वल, ये है ये लीनियर इक्वेशन है, नहीं है. फिर आपसे पूछा जाएगा कि x प्लस में 3 इज इक्वल टू 10 ये लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल आप कहोगे ये इक्वल टू का साइन है. लेकिन एक मैं बार बार लीनियर वर्ड बोल रहा हूं इसका मीनिंग आपसे डिस्कस करता हूं. लीनियर क्या होता है, देखिए इक्वेशन इन विच वेरिएबल जो होता है ना, वेरिएबल की जो पावर वन हो. आप बोलोगे सर समझे नहीं कैसे. देखिए किसी की पावर वन मेंशन नहीं होती ना तो वहां वन होती है. तो x प्लस 3 इज इक्वल टू जो 10 है ना, ये लीनियर है, ये लीनियर इक्वेशन होगा. लीनियर क्यों होगा, क्योंकि इसमें वेरिएबल जो है ना इसकी पावर है वो वन है, तो इसको मैं लीनियर इक्वेशन लिख देता हूं. लेकिन अगर मैं आपसे कई बार मेंशन नहीं होता कि भाई यहां पे देखिए 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 8 है, तो यहां पावर मेंशन नहीं है तो भी ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि जब पावर मेंशन नहीं होती तो वन ही कंसिडर की जाती है. वेरिएबल की पावर की बात करूं मैं, ये लीनियर इक्वेशन हो गया. लेकिन अक्सर आपसे पूछूं कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस में 3x इज इक्वल टू 10 है तो क्या ये लीनियर है, आंसर हो जाएगा नो, नॉट लीनियर. फिर आप रीजनिंग पूछे कि क्यों नोट है, तो आपका रीजनिंग हो जाएगी यहां पे पावर है ना वो 2 है. फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है सर पावर 2 वालों का क्या नाम है, वो अगली स्लाइड में मैं डिस्कस कर लेता हूं. अभी मैंने आपको बताया लीनियर का मीनिंग होता है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो. और पावर अगर देखिए अगर किसी की पावर मेंशन नहीं होती ना तो ऑब्वियसली वो अंडरस्टूड है कि वहां पे 1 पावर होती है. फिर एक क्वेश्चन आया था कि भाई एक्स वाई माइनस में 7 इज इक्वल टू 5 क्या ये लीनियर इक्वेशन है, आंसर है नो. आप बोलो सर क्यों ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. देखिए x की 1 और y की 1 ये पावर यहां पे डिग्री है ना, ये डिग्री आपको मैं आपको अगली क्लास में भी करते हैं. डिग्री यहां पे 2 है तो ये लीनियर नहीं होगा. डिग्री होता है हाईएस्ट पावर ऑफ ए टर्म. आई होप ये क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा था, मैंने बता दिया. फिर लीनियर वर्ड का मीनिंग क्या होता है, लीनियर वर्ड का मीनिंग होता है स्ट्रेट. और आप बोलोगे सर कैसे कि भाई लीनियर पेयर आपने पढ़ा होगा, हमने ज्योमेट्री जब भी पढ़ी थी तो लीनियर पेयर में आया था. लीनियर पेयर होता है पेयर मीन टू, यानी कि जो टू एंगल्स अगर स्ट्रेट लाइन बनाए. देखिए ये 100 डिग्री का था और ये 80 डिग्री का था, अगर ये स्ट्रेट लाइन बनती है तो हम कहते थे लीनियर पेयर है. और लीनियर ग्राफ आपने सुना होगा रेक्टिलीनियर मोशन, रेक्टिलीनियर मोशन या लीनियर मोशन जो होता है ना, तो रेक्टिलीनियर मोशन होता है ऐसा मोशन, साइंस में टीचर ने बात किया होगा, जो सीधी लाइन में चलता है. तो लीनियर मीनिंग का क्या होता है इंग्लिश में, लीनियर का मीनिंग स्ट्रेट. अच्छा यहां पे क्या होता है कि जिसकी पावर है ना वो 1 होती है.
अब मैं बात करता हूं कि भाई पावर टू जो हो जाए तो क्या होगा, उसका मीनिंग बताता हूं पहले, फिर मैं आगे चलता हूं। देखिए ये मैंने बड़ा अच्छी तरह से आपको कोशिश करी है समझाने का। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कह लो या लीनियर इक्वेशन में, इसमें से लीनियर इक्वेशन कब होगा, जब वेरिएबल की पावर वन हो। कैसे भाई, एक्स प्लस में 8 इज इक्वल टू 10 है, ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि पावर वन है। एक्स इज इक्वल टू 3, ये लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि पावर वन है। और 7x-3 इज इक्वल टू 10 क्यों है, क्योंकि जहां मेंशन नहीं होता पावर वन है। लेकिन क्वेश्चन अराइज, ये तो हमारे सिलेबस में है भाई, चैप्टर का नाम यही है लीनियर। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक, ये आप थोड़ी हायर क्लास में जाते हैं तब बात आती है। क्वाड्रेटिक होती है जिसमें वेरिएबल की पावर टू हो, मैक्सिमम पावर कहना चाहिए मेरे को एक्चुअल में, यहाँ पे मैक्सिमम पावर है ना वो टू होनी चाहिए, या डिग्री की बात करेंगे। जब मैं आपको डिग्री टू बताऊंगा, देखिए ये क्वेश्चन है x²-3x=10 या 8 ले लेते हैं, इसमें आप देखिए पावर टू है तो ये क्वाड्रेटिक है, राइट। एक और ले लेते हैं कि 7x²-5, ये आप देखोगे लीनियर नहीं है, क्या है ये, क्वाड्रेटिक है, हाईएस्ट पावर टू है। फिर बात करते हैं क्यूबिक की, भी क्यूबिक खुद कह रहा है जिसकी हाईएस्ट पावर थ्री हो, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बताऊं जिसकी डिग्री जो है ना वो थ्री होती है, उसको वेरिएबल की पावर थ्री, उसको क्यूबिक कहते हैं। कैसे, लीजिए मैं आपको समझा देता हूं। यहां पे मैंने एक्स की पावर थ्री माइनस में 7x=8 है। अब आप बोलोगे सर x जरूरी नहीं है, y की पावर 3 माइनस में 7y और इक्वल टू 12 ले लो, हाईएस्ट पावर अगर 3 है उसको क्यूबिक कहते हैं। अच्छा ये यहां तक पढ़ाते हैं, बाई क्वाड्रेटिक तो बहुत रेयरली पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं, ये तो एक बार हमने मैथ्स क्विज में पूछा था भाई, जिसकी हाईएस्ट पावर 4 होती है ना उसको हम बाई क्वाड्रेटिक कह देते हैं। जनरली मुझे बच्चे पूछते हैं सर 4 से ज्यादा अगर हो जाए तो, तब हम उनको पॉलिनोमियल वर्ड दे देते हैं, उसमें हम जनरली स्पेसिफिक नेम की बात नहीं करते। आई होप ये तो बहुत रेयर होता है जो बच्चों से हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लेता हूं, आपको मीनिंग क्लियर हो गया हो तो। नेक्स्ट पॉइंट है वो बड़ा मजेदार पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं कि भैया सोल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन की बात करता हूं मैं। अब देखिए एक इक्वेशन है ना वो एक तराजू की तरह होती है, एक बैलेंस की तरह होती है, राइट। और इस बैलेंस में अगर मैं यहां पे लिखू, देखिए एक्स प्लस में 3 और ये बराबर है इक्वल टू, यहां पे लिख देता हूं 7, तो ये जो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 7 है ना, ये एक तराजू है, एक बैलेंस है, और ये वाला जो पार्ट है ना ये कहलाता है LHS, राइट। और ये वाला जो पार्ट है जो आपके राइट हैंड की तरफ है ये RHS, तो इनकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी राइट हैंड साइड, इसकी फुल फॉर्म में RHS में ये हो जाएगी, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है। सिमिलरली अगर ये पेन देखो तो ये राइट हैंड साइड में है तो इसको मैं RHS कहूंगा, और ये लेफ्ट हैंड साइड में है तो इसको LHS कहूंगा। अब देखिए ये जब बराबर, आपसे पूछता हूं सोल्यूशन की बजाय, जब ये हाँ ये मैं करेक्शन कर देता हूं, देखिए मैंने यहां क्या करा, ये LHS होगा क्योंकि आपके लेफ्ट हैंड की तरफ है, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड की तरफ है तो ये हो जाएगा राइट हैंड साइड। अब मैं इस क्वेश्चन को एक्स प्लस 3 इक्वल टू 7 को मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताइए कि एक्स की जगह पे कितना केजी रखें कि ये इक्वलिटी मेंटेन रहे, तो आप सीधा कहोगे सर एक्स की जगह पे अगर 4 रख दोगे तो 4+3=7 होता है, तो ये जो एक्स की वैल्यू 4 है ना ये इसका सोल्यूशन कहलाता है। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन होता है एक्स की वैल्यू विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, और इस सोल्यूशन को एक नया नाम भी दिया गया है, इसको आप हायर क्लास में जाओगे तो बात करेंगे वो रूट की बात करेंगे कि रूट ऑफ द सोल्यूशन होता है, फिर कई बार हम इसको पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द सोल्यूशन, ये नए नए नाम आते हैं। लेकिन आपको सोल्यूशन का मीनिंग बताता हूं, सोल्यूशन होता है वो एक्स की वैल्यू जो पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है x-2=10। अब इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन निकालते हैं, यानी कि एक x की वैल्यू ऐसा बताइए जिसमें 2 माइनस करें तो 10 आ जाए, तो ऑब्वियसली आप झट से मुझे आंसर दोगे सर 12, आंसर देखिए 12 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो 10 आता है,
तो ये जो 12 जो आया है ना, ये 12 एक्चुअल में x की वैल्यू 12 है, ये इसका सॉल्यूशन है. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर इक्वेशन. आई होप सॉल्यूशन वर्ड का मीनिंग क्लियर हुआ आपको कि क्या होता है सॉल्यूशन. यानी कि सॉल्यूशन का वैल्यू है जो वैल्यू इक्वलिटी मेंटेन करे, इक्वल होना चाहिए. अब मैं बात करूंगा कि भाई सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास कितने मेथड हैं. पूरे मैथ्स में जनरली बच्चे हैं जो 3 मेथड हैं. पहला है ट्रायल एंड एरर मेथड, दूसरा है सिस्टमेटिक मेथड, और तीसरा है ट्रांसपोजिशन मेथड. ट्रांसपोजिशन मेथड है ना, वो 99% यूज होता है, बच्चों का फेवरेट है, मैक्सिमम यही यूज होता है, मैं खुद इसको यूज करता हूं. अच्छा, ट्रायल और एरर है ना, ये सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस में यूज होता है, ठीक है. सिस्टमेटिक तो बहुत रेयरली यूज होता है, लेकिन मैं आपको इसलिए, आपको भी नहीं यूज करना है ये, आपको इसलिए समझा देता हूं कि आना चाहिए. तो ट्रायल और एरर की बात करते हैं. देखिए, आपने शोरूम विजिट करे होंगे, जब आप किसी शोरूम में जाते हो ना, तो वहां पे एक ट्रायल रूम होता है. आई होप आप एग्री करोगे. ट्रायल रूम का क्या मीनिंग होता है, जो आपने टी शर्ट पहनी है ना, उसको वहां पे पहन के देखते हो कि भाई मेरे फिट और साइज की है कि नहीं. तो सिमिलरली ये है कि भाई एक्स प्लस में 3 इज इक्वल टू, अगर यहां पे आया है 6, तो एक्स की वैल्यू क्या है पुट करके देखते हैं. सबसे पहले मैंने भैया एक्स 1 पुट करा. जब 1 पुट करा तो देखते हैं 1 पुट करने पे क्या 6 आ रहा है. तो ये तो 6 तो नहीं आ रहा है, 1 प्लस 4 आ रहा है, तो 6 के बराबर तो नहीं आ रहा. तो मैंने आंसर 9 लिख दिया कि भैया ये सॉल्यूशन नहीं है. फिर मैंने एक्स की जगह पे 2 पुट करके देखा, तो यहां पे मैं 2 पुट करता हूं, तो इंक चेंज कर लेता हूं आपको कंफ्यूजन ना हो. तो जब मैंने एक्स 2 पुट करा यहां पे, तो 2 प्लस में 3 तो 5 आ रहा है, ये भी 6 के बराबर नहीं आ रहा, ये नॉट इक्वल टू, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है. फिर मैंने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करके देखा. जब यहां पे मैंने 3 पुट करा, तो 3 प्लस में 3 और देखिए 6 आ गया, और 6 के बराबर है, तो यहां पे मैंने यस लिखा. तो ये जो पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि अब आप नोट कीजिए, एक्स 3 पुट करता हूं तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गया. तो x इज इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन कहलाएगा. लेकिन इस मेथड का ना एक नेगेटिव है, इसलिए मैं बच्चों को कहता हूं नहीं करने यार. क्या नेगेटिव है इस मेथड का, एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आपका क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 100, अब देखिए आप पुट करते जाइए, फिर आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू 1 पुट करोगे, x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे, x इज इक्वल टू 3 पुट करोगे. हालांकि आप 99 प्लस में 100 आएगा ना, ये एक्चुअल में लेंथी है. सिंपल सी बात है, ये लेंथी मेथड है. लेकिन कोई ये मेथड ऐसा है, लेंथी जरूर है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला कहां पे है, जब आप एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बात करते हैं ना, इस मेथड को बड़ा प्रेफर किया जाता है. अपने ऑप्शंस पुट करके देख लो. आई होप ट्रायल और एरर की बात है. अब मैं एक काम करता हूं, ये मैंने फर्स्ट नंबर कर लिया, जो सेकंड नंबर है ना वो मैं अगली स्लाइड पे ले लेता हूं, और फिर लास्ट में थर्ड ट्रांसपोजिशन मेथड की बात करते हैं. तो लीजिए सिस्टमेटिक की बात करते हैं. वेल, सिस्टमेटिक मेथड के लिए मुझे वापिस से तराजू की जरूरत पड़ेगी. ये मेथड है वो भी बहुत कम यूज होता है, आई थिंक लीस्ट यूज कहा जाता है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए. इसमें करते क्या है हम, है ना, सेम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बोथ साइड. आप बोलो सर क्या मीनिंग, समझे नहीं. देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि भैया 2x माइनस 3 इज इक्वल टू, मैंने मान लो यहां पे ले लिया 11 ले लिया, राइट. अब मुझे करना क्या है वो आपको बताता हूं. सिस्टमेटिक कहता है, सिस्टमेटिक कहता है कि आपको x को निकालना है, तो बाकी जो नंबर है ना उनको एलिमिनेट कीजिए. तो एलिमिनेट करने के लिए सबसे पहले नंबर आता है 3 को एलिमिनेट करेंगे. तो 3 को एलिमिनेट कब हो सकता है, तो पहला स्टेप है ये माइनस 3 है, माइनस 3 है तो इसका मैं एडिटिव इनवर्स है ना, यानी कि प्लस 3 कर दूं दोनों तरफ तो ये 0 बन सकता है. तो मैं देखिए यहां पे लिखूंगा एड 3 बोथ साइड. आप लोग सर बोथ साइड क्यों करा आपने, देखिए ये वैसा ही है, ये 2x माइनस 3 है ना इक्वल टू मेंटेन किसके है, 11 के. तो किसी भी इक्वेशन में इक्वलिटी मेंटेन होनी चाहिए, ये याद रखने. अगर इक्वलिटी मेंटेन नहीं रहेगी तो वो क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाएगा. तो वो आपको बहुत जरूरी है मेंटेन करने.
तो ये 3 ऐड करने से क्या बनता है, आप देखते हैं भैया हम सोल्व करते हैं, 2x माइनस 3 था, अब मैंने यहाँ पे 3 ऐड किया तो यहाँ पे भी तो 3 ऐड करूंगा, तो मैंने यहाँ पे 3 ऐड किया, देखिए ये बन गया 0, तो यहां से मुझे क्या बना 2x बचा, और यहां से क्या बचा मुझे 14 बचा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं कि मुझे तो x निकालना है फाइनली, ये 2 को रिमूव करना है, तो मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा ना, स्टेप 2 क्या होगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई का रिवर्स होता है डिवाइड, तो मैं यहां पे लिखूंगा डिवाइड बोथ साइड बाय 2। अच्छा 2 से ही क्यों करते हैं डिवाइड, क्योंकि मुझे 2 को एलिमिनेट करना है, जब ये 2x डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो मुझे 14 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए 2 से डिवाइड करने का मतलब है यहां पे अगर आप सिंप्लीफाई करते हो ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां से x बचा और यहां से क्या बचेगा 7, तो x इज इक्वल टू 7 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन। ये जो लीनियर इक्वेशन थे ना, इसका ये सॉल्यूशन है। अब ये मेथड बच्चे कहते हैं सर ये भी बड़ा टाइम कंज्यूमिंग मेथड है, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों सेम ऑपरेशन बोथ साइड करना होता है, तो इसको भी आपको बहुत कम करना है क्योंकि ये यूज कम होता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला सुपर डुपर मेथड बताता हूं, उस मेथड का नाम है ट्रांसपोजिशन मेथड, 99.9% बच्चे यूज करते हैं और यही आपको भी यूज करना है, ये अच्छी तरह से आना चाहिए, मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूं। देखिए पहला स्टेप क्या है भैया, प्लस का साइन है ना, उसको ट्रांसपोज करोगे तो माइनस बन जाएगा, कैसे भाई, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 7 है, इसका सॉल्यूशन चाहिए, तो प्लस 3 को वहां पे लेके जाओगे ना इक्वल टू पे, तो प्लस का साइन मैंने क्या बताया माइनस बन जाएगा, तो ये बन जाएगा प्लस 3 वहां पे जाके माइनस का 3, और क्वेश्चन आ गया एक्स की वैल्यू 4, तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया, ये इसका सॉल्यूशन है किसका, जो लीनियर इक्वेशन है। अब बोलो सर फिर अगर माइनस साइन हो तो, लीजिए मैं आपको बताता हूं भाई, माइनस साइन अगर है वो ट्रांसपोज करोगे तो पॉजिटिव साइन बन जाएगा, कैसे कि भाई एक्स माइनस 2 है और इज इक्वल टू 10 है, अब इस माइनस साइन को मैं वहां ट्रांसपोज करूंगा तो ये बन जाएगा 10 प्लस 2, और जो आंसर आया ना एक्स की वैल्यू, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा किसका। अब देखिए इसमें आप पुट करके देख लीजिए, 12 माइनस 2 करने पर 10 ही आ रहे हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है सर, मान लो मल्टीप्लाई हो, मल्टीप्लाई है तो लीजिए मैं थर्ड नंबर पे मल्टीप्लाई बता देता हूं कि भाई मल्टीप्लाई में ये है 3x इज इक्वल टू 30, अब हमें क्या करना है, सुनिए मल्टीप्लाई जो है ना वो वहां जाके हो जाएगा डिवाइड, इसका मीनिंग ये है कि ये जो मल्टीप्लाई का सिंबल है ना यहां पे, इस 3 को अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो x वहीं पे रहेगा, 30 अपॉन 3 करेंगे और x की वैल्यू 10 आई, और ये वैल्यू 10 है, ये मतलब इसका आंसर हो गया। तो आई होप हमने x की वैल्यू यहां 10 पुट करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप एग्री कर रहोगे कि भाई मल्टीप्लाई किस में कन्वर्ट होता है, डिवीजन में कन्वर्ट होता है। अब क्वेश्चन अराइज करते हैं, सर ये तो आपने बता दिया ठीक है, अब मैं ले लेता हूं कि भाई अगर डिवीजन आ जाए तो किस में कन्वर्ट होगा, तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा। लीजिए समझाता हूं भाई, एक्स डिवाइडेड बाय 2 है, डिवाइड डिवीजन है और वहां पे है 10, मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन है कि एक्स निकालिए, तो ये जो डिवीजन में है ना ये इसको मैं ट्रांसपोज करूंगा तो वहां पे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और एक्स की वैल्यू है ना वो 20 आ गई। आप पुट करके देख लीजिए 20, यहां पे 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10 ही आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया, तो मैं आपको रिपीट करता हूं, मैंने प्लस को कन्वर्ट किया किसमें, माइनस में, और माइनस किसमें कन्वर्ट किया प्लस में, और मल्टीप्लाई किसमें किया डिवीजन में। लेकिन एक मिक्स क्वेश्चन आ जाता है, जनरली बच्चे पूछते हैं सर ये बताओ आप तो कि इसमें दोनों चीजें पहले क्या लेके जाएं, यानी कि जनरली बच्चे यहां अटक जाते हैं। तो देखिए भैया इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं, पहले लेके जाओगे जो x से दूर है, x से 2 और 3 में देखा जाए तो 3 दूर है x से, तो माइनस 3 जो है सबसे पहले वहां जाएगा, तो मैंने माइनस 3 को वहां पे लेके गया तो प्लस का 3 बन गया, यानी कि 14 बन गया। अब मैं लेके जाऊंगा 2 को, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो वहां पे हो जाएगा डिवाइड में, और 14 को 2 से डिवाइड किया तो 7 आया, तो एक्स इज इक्वल टू 7 आपका आंसर है। आई होप आपको मिक्स क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे, ये आपको समझ में आ गया है, नाउ वी कैन डू एक्सरसाइज क्वेश्चंस।
ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 7.1। इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एमसीक्यू क्वेश्चंस है ना वो इसमें से आते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशन एंड वाई। देखिए मैं आपको लीनियर का मीनिंग बताया था, जिसकी पावर जो वेरिएबल है ना उसकी पावर है वहां पे वन होनी चाहिए, ये लीनियर की पहचान है। इक्वेशन का मैंने बताया था जिसमें इक्वल टू का साइन है। देखिए इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है तो आंसर लिख दीजिए नो, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है आंसर लिख दीजिए नो, तो यहाँ पे इक्वल टू साइन है और यहाँ पे किसी की पावर कुछ नहीं है तो वन पावर है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लीनियर इक्वेशन। अच्छा इसने पूछा था वाई, तो आप लिख दो कि बिकॉज इक्वल टू साइन इज देयर एंड हाईएस्ट पावर इज वन, और हाईएस्ट पावर वन होती है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। फिर डी पार्ट की बात करें, देखिए इक्वल टू साइन भी है और जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर वन है, जहां पावर मेंशन नहीं होती तो वन होती है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एमसीक्यू क्वेश्चन में आता है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ले लेता हूं। देखिए ये क्वेश्चन में ना सिस्टमेटिक जो मेथड है ना उसकी बात कर रहा है, हमें फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहा है, तो कुछ ना हो कि सिस्टमेटिक मेथड आपको मैंने समझाया तो सिस्टमेटिक मेथड की बात कर रहा है, तो वो उसके हिसाब से फुलफिल कर देते हैं। देखिए पहला मेथड क्या कहता है कि भाई इस थ्री को हटाना है तो दोनों तरफ क्या करेंगे माइनस थ्री कर देंगे, तो यहां तो माइनस थ्री कर दिया, यहां पे माइनस थ्री करना पड़ेगा, फिर ये तो हो गया जीरो और यहां से आ जाएगा टू, तो ये टू आ गया, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स मैंने कंप्लीट कर दिया। एक और देख लेते हैं, सिस्टमेटिक मेथड कहता है इस 5 को इलिमिनेट कीजिए, तो डिवाइड बाय 5 करेंगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, तो ये पे भी मुझे 5 से डिवाइड कर दिया, ये चीज जो है ये y बन जाएगी क्योंकि 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, और यहां से 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, सो यहां फिल इन द ब्लैंक्स में 2 आंसर आ गया। इस केस में देखिए सिस्टमेटिक मेथड कहता है माइनस सिक्स है ना इसको इलिमिनेट करना है, तो कैसे करेंगे इसका रिवर्स यानी कि प्लस सिक्स करेंगे, और यहां पे भी प्लस सिक्स कर रखा है, तो ये चीज तो जीरो बन गई, तो यहां से जेड आ गया, लेकिन ये अगर राइट हैंड साइड में करोगे तो 11 बन जाएगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया। मुझे 14 इलिमिनेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो यहां तो मल्टीप्लाई कर रखा है, यहां मल्टीप्लाई मैंने कर दिया तो ये 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाता है और यहां से 28 बच जाता है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये कुछ नहीं सिस्टमेटिक मेथड का ही एक फिल इन द ब्लैंक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल है, आपको मैं समझाता हूं क्या कहना चाहते हैं। कहता है भी एक इक्वेशन हमें गिवन है इस फॉर्म की, यानी कि हमें दे रखा है Lx प्लस m इज इक्वल टू n, और फिर कहता है कि भाई l की जगह पे 2 पुट कर दीजिए, और हमें क्या पुट करना है, हमें पुट करना है जहां जहां l है ना वहां पे 2 पुट कर देते हैं, m की जगह पे पुट क्या करना है 3 पुट करना है, और n की जगह पे 0 पुट करना है, तो इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में इस l की जगह पे अगर मैं 2 पुट कर देता हूं तो ये बन जाएगा 2x, और m की जगह पे मैं 3 पुट कर देता हूं तो 2x प्लस 3, और n जो है मेरे राइट साइड में है तो ये 0, तो ये देखा जाए तो एक लीनियर इक्वेशन बन गई। सो दिस इज द आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में मैं दो पार्ट कर देता हूं, कोई भी दो पार्ट ले लेता हूं, जनरली बच्चे कहते हैं सर एक ये पार्ट कर दीजिए, मैं डी पार्ट कर देता हूं और एक पार्ट ये ले लेता हूं, राइट ये दोनों आप एक बार ट्राई कर लीजिए, होमवर्क लिख देता हूं क्योंकि आप कर लोगे। कहते हैं फाइंड द वैल्यू ट्रायल और एरर मेथड। देखिए ट्रायल और एरर मेथड जो है ना, पहले मैं एक बार कर देता हूं, ये मेथड जनरली हम बहुत कम करते हैं और सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चंस में ही सोल्व करने के लिए करते हैं, तो लेकिन आपको आना चाहिए, तो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए एक्स की जगह पे क्या रखेगी 15 आ जाए, तो यहां पे आप कॉलम बना के करोगे तो ज्यादा बढ़िया है। भाई मैंने x की वैल्यू यानी कि ये लिख लेता हूं मैं राइट हैंड साइड, और यहां पे लिख लेता हूं मैं लेफ्ट हैंड साइड, राइट, और यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में पुट करते x ले लेता हूं। अब क्वेश्चन है कि सर x कहां से शुरू करें, अगर मैं x 1 ले लेता हूं यानी कि पुट x इज इक्वल टू 1, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी 1 माइनस में 6
यानी कि माइनस का 5 और राइट हैंड साइड तो 15 है, तो ये तो दोनों बराबर नहीं आए, तो आंसर हो जाएगा नो। फिर हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 2, बट क्वेश्चन ये अराइज होता है सर ये तो बड़ा लेंथी है, कितने करना है यहाँ पे, यानी कि हाउ मेनी सॉल्यूशन वी इक्वल टू। आप 1 दिखा के 1 या 2 दिखा के मैक्सिमम, मान लो आपने 2 पुट करके देखा, तो 2 भी पुट करेंगे x की जगह पे, तो यहाँ पे 2 माइनस 6 करा, तो 2 माइनस 6 जो है वो माइनस का 4 आया, जबकि ये तो राइट हैंड साइड तो हमारा 15 है, जबकि 15 के बराबर तो नहीं आ रहा, तो ये भी आंसर नो हो जाएगा। अब इस केस में लेंथी हो रहा है तो सीधा मैं आंसर पुट कर देता हूं, इसका जो आंसर है वो 21 है। क्वेश्चन अराइज होता है सर आपको 21 का कैसे पता लगेगा, तो इसका सबसे बेस्ट मेथड है आपको करना है ट्रांसपोजिशन से। तो जब मैं x 21 रखता हूं तो इसमें 21 में से 6 माइनस करने पर 51 आता है, यानी कि x के 21 माइनस 6 करें तो ये 15 आ गया, और 15 15 के बराबर है और यस आ जाता है, यानी कि ये x इज इक्वल टू 21 इसका सॉल्यूशन होगा। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आई होप ये आपको। एक और मैं ट्रायल करके बता देता हूं, जनरली हम इनको बच्चों को बहुत कम कराते हैं, ये ना के बराबर कराते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, हमसे पूछा है इस क्वेश्चन में ट्रायल और एरर से करें। अगर मैं पुट कर देता हूं लेफ्ट हैंड साइड में मेरा, यानी कि ये तो मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला लेफ्ट हैंड साइड हो गया और ये वाला मेरा क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। अगर मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूं तो देखिए ये जो पोर्शन क्या बन जाता है, 4 इंटू 1 अपॉन 5, 4 बाई 5 आया, लेकिन अगर राइट हैंड साइड तो 1 बाई 5 है, यानी कि ये दोनों बराबर है ही नहीं, तो आंसर नो हो जाएगा। तो इस केस में भी वही प्रॉब्लम आ रही सर, क्या पुट करें कि ये हो जाए। तो इस केस में जो हम वैल्यू पुट करने वाले हैं वो फ्रैक्शन फॉर्म में आ रही है, यानी कि x की वैल्यू अगर मैं 1 बाई 4 पुट कर देता हूं तो काम बन जाएगा। तो यहां पे मैं पुट कर देता हूं x की जगह पे 1 बाई 4, 4 की x की जगह पे 1 बाई 4 रखा, और जिसका राइट हमारा इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए 5 के बराबर ही आता है, ये सिंप्लीफाई हो गया, सॉरी ये 1 बाई 5 है, तो 1 बाई 5 इक्वल टू 1 बाई 5 आ गया, यानी कि यहां पे आंसर यस लिख दूंगा। मुझे फिर भी आपको ये बताना है कि आप इसकी बजाय, ट्रायल और एरर की बजाय ट्रांसपोजिशन जो मेथड है उसको अच्छी तरह से कर लीजिए, वो ज्यादातर यूज होता है, 99% वही यूज होता है, ये तो सिर्फ आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें सिस्टमेटिक की बात करते हैं, कहते हैं लीस्ट यूज मेथड है, ये तो सिर्फ नाम आ गया है इसलिए बताना पड़ रहा है, लेकिन बहुत कम यूज होता है। तो उसमें दो पार्ट ले लेता हूं मैं, एक पार्ट ले लेता हूं मैं ए वाला ही, और ये दोनों जो है मैं होमवर्क लिख देता हूं, ये भी होमवर्क, मतलब बी और सी होमवर्क लिख देता हूं, ये यहां पे डी ले लेता हूं। दो पार्ट मैं आपको सिस्टमेटिक से बता देता हूं जिससे कि आपको चीजें क्लियर हो जाए। पहले ले लेता हूं ए वाला। देखिए क्वेश्चन है बाई सिस्टमेटिक कि मुझे एक्स निकालना है, तो एक्स निकालना है तो मुझे पहला स्टेप क्या है, 12 को इलिमिनेट करना है, तो 12 को इलिमिनेट करेगा कि यहां पे सबट्रैक्ट करने पे एलिमिनेट हो जाएगा, सबट्रैक्ट 12 बोथ साइड, ये देखिए बोथ साइड मैंने सबट्रैक्ट करूंगा तो 12x इसमें प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये 20 में से माइनस का 12 हो गया, देखिए ये जीरो बन गया, तो मेरा यहां से क्या बचा, 2x बचा, और यहां से क्या बचेगा, 8। अब मेरा काम है 2 को एलिमिनेट करना, तो क्या तरीका है, डिवाइड बोथ साइड बाई 2, डिवाइड बोथ साइड बाई 2। अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो मेरा जो पर्पज है डिवाइड करने का वो एलिमिनेशन है, तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा और मेरा सिर्फ बचेगा x, और यहां से सिंपल बचेगा 4। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द पार्ट 1। आई होप ये आपको क्लियर हो। एक और कर लेते हैं, थोड़ा सा समझाते हैं टाइम। देखिए मेरा पर्पज क्या है इस केस में, पर्पज है कि मुझे ये 5 है ना, ये डिनोमिनेटर में है, इसको हटाना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो काम बन जाएगा, तो मैं लिखूंगा यहां पे मल्टीप्लाई 5 बोथ साइड, और इस तरह से करने से यहां का ये जो 5 है रिमूव हो जाएगा। देखिए कैसे रिमूव होता है, ये डिनोमिनेटर में 5 है, मैंने 5 यहां मल्टीप्लाई किया और राइट हैंड साइड वाले के साथ भी 5 मल्टीप्लाई किया,
ये कुछ वैसा ही है, जब आपको याद होगा ना मैंने बताया था कि ये तराजू की तरह है कि भाई तराजू में जैसे बैलेंस करने के लिए हमें दोनों सेम चीज दोनों तरफ करनी है ना, ऐड करना है तो भी दोनों तरफ करना है, सबट्रैक्ट करना है दोनों, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहां से 7 बचा, यहां से 125। अब मुझे ये 7 माइनस एलिमिनेट करना है, तो 7 मल्टीप्लाई में है तो मुझे डिवाइड कर देंगे तो काम चल जाएगा, डिवाइड बोथ साइड बाई 7। अब इस तरह से करने से मेरा 7 एलिमिनेट हो जाता है और अकेला एक्स बचता है, ये फ्रैक्शन में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं चलेगा, और दिस इज आंसर। आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। फिर मैं वही कहूंगा अगेन, इस सिस्टमेटिक से बहुत ही कम वर्क करते हैं, ना के बराबर, लेकिन ट्रांसपोजिशन जो मेथड है ना वो सबसे ज्यादा यूज होता है, आपको वो अच्छी तरह से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वेल दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज, और यहां ट्रांसपोजिशन है। वैसे आपको कोई क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देगा तो आप फ्री हो किसी मेथड से, लेकिन मैं खुद ट्रांसपोजिशन करता हूं तो आपको भी ट्रांसपोजिशन ही करने के लिए बोलूंगा। ए पार्ट कर लेते हैं, सबसे ज्यादा माई फेवरेट आई विल से, और इंपॉर्टेंट भी कहूंगा मैं। देखिए हमें क्वेश्चन में जेड की वैल्यू निकालनी है कि जेड की क्या वैल्यू आ जाए कि मुझे ये इक्वेशन बराबर हो जाएगी। तो इसमें ध्यान रखें टू और जेड में कंफ्यूजन नहीं होना। पहला काम है 22 को वहां ले जाते हैं तो मेरा बचेगा लेफ्ट साइड में 2z, और ये 22 वहां जाके माइनस का हो गया। तो माइनस का होने पे ये माइनस का 10 आया, यहां से सिंप्लीफाई करा तो यहां से 2z आया। अब मुझे जेड चाहिए तो ये ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, और यहां से जेड की वैल्यू 5 आ गई। सो दिस इज आंसर। टोटल 3 पार्ट ले लेते शायद आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए दोबारा से मैं सी पार्ट ले लेता हूं और ये होमवर्क ले देता हूं, ये इजी है। क्वेश्चन में पूछा गया 3x-6 है, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए सबसे पहला काम है ये सिंपली, यहां कट हो रहा है इसको कट कर लीजिए, 1 जा और 2 जा, तो आपने नोट करा तो x/2 हो रहा है ये। अब मैं क्या करूंगा, -8 को सबसे पहले वहां लेके जाऊंगा, तो -8 को वहां पे लेके गए तो ये प्लस का 8 हो गया, और प्लस का 8 होने पर ये 23 हो गया। तो x/2 इज इक्वल टू 23 है, 2 को हम वहां पे लेके जाएंगे तो 2 को वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये डिवाइड में है, तो 23 2 जा और आंसर आ गया 46। आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आपको समझा देता हूं। देखिए इस डी वाले में आपने ध्यान दिया होगा तो 3x-7 इज इक्वल टू 14 है, तो ये -7 सबसे पहले हम वहां पे ट्रांसपोज करेंगे, तो माइनस अगर वहां पे जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, ये 21 आ गया, तो 3x इज इक्वल टू 21 है तो x आ गया 21। अब देखिए ये तो मल्टीप्लाई में है, वहां अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा और मेरा आंसर आ गया 7। सो x इज इक्वल टू 7 इज द आंसर। आई होप ट्रांसपोजिशन है मेथड है वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। अब हम आगे कर लेते हैं 7.2 एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। देखिए बिफोर वर्ड प्रॉब्लम ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेने से पहले जनरली बच्चे कहते हैं सर हमें वर्ड प्रॉब्लम बड़ी डिफिकल्ट लगती है, तो मैं टिप्स डिस्कस कर लेता हूं वर्ड प्रॉब्लम से डिस्कस करने के, और उनसे डिस्कस करने से पहले आपको यह बताऊंगा भाई आपको कुछ वर्ड मीनिंग याद होने चाहिए। अगर टाइम्स बार बार आए ना वर्ड स्टेटमेंट में, उसका मीनिंग होता है मल्टीप्लाई, कि वहां हमें मल्टीप्लाई करना है। अगर आपको मोर आ जाए ऐड तो वहां पे मुझे ऐड करना है, और लेस आ जाए तो वहां पे मुझे माइनस करना है। सर करना कैसे वो बताइए, पहले वो समझाता हूं। देखिए भैया मैंने क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको और आप इसको ढंग से समझोगे। कभी ये वर्ड प्रॉब्लम आ गई, इस वर्ड प्रॉब्लम में मैंने पहला स्टेप्स क्या लिखा है, पहला लिखा है रीड द क्वेश्चन केयरफुली। देखिए मैं हमेशा 2 times पढ़ता हूं, मैं खुद एज ए टीचर जो 15 साल से पढ़ा रहा हूं वो 2 times पढ़ता हूं। कहता है रीड द क्वेश्चन केयरफुली, आइडेंटिफाई द अननोन क्वांटिटी और नंबर। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3 डिक्रीज बाय 5 वी गेट फाइंड। कहता है जो अननोन नंबर है ना उसको अंडरलाइन कर लिया मैंने। फिर दूसरे स्टेप की बात करते हैं, कहता है यूज ए लेटर टू रिप्रेजेंट अननोन।
ये जो अननोन नंबर है ना, इसको किसी एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर लीजिए। इस क्वेश्चन में मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस नंबर को, लेट फाइंड द नंबर है ना, लेट नंबर इज एक्स, ये मैंने एक्स लिख लिया। ये बहुत जरूरी है, इतना लिखने का ही मैं बच्चों को आधा नंबर देता हूं। फिर थर्ड स्टेप क्या कहते हैं, कहते हैं फॉर्म ए लीनियर इक्वेशन यूजिंग वेरिएबल। देखिए ये लाइन कब फॉर्म कर पाओगे, जब आपको क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर होगा। देखिए मैं आपको समझाता हूं कैसे। ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3, यहां पे मैं ATQ लिख देता हूं, अक्सर लिखता हूं। इसका मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका मीनिंग है। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं भाई, ये क्या कह रहा है, ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3, ये जो मेरा नंबर है ना, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, डिक्रीज बाय 5, डिक्रीज का मतलब क्या होता है, माइनस, माइनस 5 किया, वी गेट 25, यानी कि 25 आ गया। तो ये मेरा जो लीनियर इक्वेशन है वो बन गई। अब लीनियर इक्वेशन बन गया तो मेरा काम हो गया। कैसे, लीनियर इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक बार बन जाती है तो करेक्ट हो गया, फिर तो कहता है सोल्व करना है। तो अभी तो मैंने मेथड किए हैं सोल्व करना, कैसे, ट्रांसपोजिशन मेरा फेवरेट मेथड है, माइनस 5 को वहां लेके गया, तो ये बन जाएगा 25 प्लस में 5, माइनस का प्लस बन जाता है, 3x इज इक्वल टू 30 आया, और x की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिवाइडेड बाई 3, 10 आ गया, राइट, x की वैल्यू 10 आ गया, यानी कि जो नंबर है ना वो मेरा 10 आ गया। फिर मैंने लास्ट में लिखा है कि हमें अकेला ऐसा चैप्टर है जिसमें खुद आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं, चेक द सॉल्यूशन। ये जो नंबर है ना उसको मैंने 10 माना है, तो एक बार चेक करते हैं कि 10 सही आया है। कहते हैं एक नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3, तो भैया 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिक्रीज बाय 5, 5 डिक्रीज करते हैं, तो कितना आता है चेक करते हैं, 10 × 3 30, 30 में से 5 करें तो बिल्कुल 25 आता है। तो हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, इस पे आप खुद भी चेक कर सकते हो। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, यानी कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, नाउ वी विल डू एक्सरसाइज 7.2, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिक्रीज बाय 5 वी गेट 25। देखिए हमेशा वर्ड प्रॉब्लम में एक मैं आपको गोल्डन रूल देता हूं कि जो निकालना है ना उसको एक्स ले लीजिए, अननोन नंबर को। ये कहता है फाइंड द नंबर, तो यहां पे मैं लिखूंगा लेट नंबर जो हमने अज्यूम किया ना, और नंबर इज एक्स, ये हमने एक्स ले लिया। अब क्वेश्चन में मैं चलूंगा यहां पे, देखिए इस लाइन को पढ़िए, इफ ए नंबर इज मल्टीप्लाई बाय 3 एंड डिक्रीज बाय 5, दो चीजें हैं, तो अकॉर्डिंग, ATQ का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मल्टीप्लाई बाय 3 का मीनिंग है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिक्रीज बाय 5 का मतलब है माइनस 5 कर दिया, एंड इक्वल टू कितना आ गया, वी गेट 25 का मीनिंग है 25 हमें मिल गया। तो देखिए माइनस 5 वहां पे ट्रांसपोज होगा और ये बन जाएगा 25 प्लस में 5, और आंसर आ गया यहाँ पे, इसको ऐड करोगे तो 30 आया। मुझे तो एक्स चाहिए तो एक्स हो जाएगा 30, इसको ट्रांसपोज करते हैं, 3 मल्टीप्लाई में है तो वहाँ डिवाइड चला जाएगा और एक्स जो है वो 10 आ गया। यानी कि जो नंबर हमने अज्यूम किया था, जो अननोन नंबर है, वो मुझे एक्स मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। वेल देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, कहते हैं सीमा एज इज 3 ईयर्स मोर देन 3 times द एज ऑफ हर डॉटर। हमेशा एक चीज मैं आपको बता दूं, जो स्मॉलर है ना उसको एक्स लीजिए। इसमें भी कह रहा है फाइंड द एज ऑफ हर डॉटर, तो इस केस में हम जो एज ऑफ हर डॉटर है ना उसको एल एक्स मान लेते हैं। लेट जो डॉटर की एज है वो मैंने कंसिडर की, उसको एक्स मान लिया, राइट। और अब क्वेश्चन करते हैं कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ATQ फुल फॉर्म, वो कहता है कि भाई सीमा की एज है ना उसकी मदर की, वो 3 ईयर्स मोर है और 3 times, टाइम्स का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। यानी कि मैं अगर सीमा की एज यहाँ पे कंसीडर करूँ, सीमाज एज, तो ये हो जाएगा, पहले मैं लूंगा टाइम्स को 3 times, तो इसका 3 times हो गया 3x, और ये कहता है 3 more, तो मोर का मीनिंग तो प्लस होता है, तो इसमें मैंने प्लस कर दिया। बट अगले में क्वेश्चन क्या दे रखा है, कहता है उसकी एज तो 30 है,
सीमा की एज तो 30 दे रखी है ना, यानी कि ये जो मैंने बनाई है ना, ये जो 3x+3 है ये बराबर होगा 30 के, क्योंकि इट इज गिवन सीमा एज इज 30। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे करेंगे भैया, प्लस 3 वहां जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस, कर लीजिए माइनस कर दिया, और माइनस का ये करने पर 27 आया। एक्स की वैल्यू देखिए, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 27 को मैंने 3 से डिवाइड किया, 9 ईयर्स जो है वो किसकी एज आ गई, मैंने डॉटर की एज मानी थी, तो यहां पे हो जाएगा डॉटर्स एज इज 9 ईयर्स। आपको लास्ट में आंसर भी लिख दिया। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, उसको पढ़ते हैं। कहता है नंबर इज डिवाइडेड बाय 3 एंड डिक्रीज बाय 5 इज 6। देखिए हमेशा पहले तो ये देखिए व्हाट इज अ नंबर, इसी को एक्स लीजिए, लेट नंबर इज एक्स और ये लिख लिया। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करता हूं, एटीक्यू को मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि भाई अगर एक नंबर को 3 से डिवाइड करें, ये लीजिए मैंने इसको इस नंबर को 3 से डिवाइड कर दिया, और डिक्रीज कर दे, डिक्रीज का मतलब होता है माइनस, माइनस 5 कर देते हैं, तो कहते हैं इज 6। इज 6 का मतलब है कि भैया 6 बन जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस 5 को वहां ट्रांसपोज करेंगे, सबसे पहले माइनस 5 वहां जाके क्या बन जाएगा, प्लस का 11 बन जाएगा, यानी कि ये 11 बना। अब ये 3 जो है ना, ये डिवाइड में है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई में 33 आंसर आ गया, यानी कि जो हमने नंबर अज्यूम किया था वो 33 है। वेल आई होप क्वेश्चन 3 इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। वेल ये देखते हैं, कहता भाई राजेश बाइस टू शर्ट फ्रॉम ए शॉप। देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, टू शर्ट्स ली हैं और उसने 500 रुपीज दीजिए। अब शॉप कीपर ने क्या किया, 100 रुपीज रिटर्न कर दिया। अब ये कह रहा है कि एक्सप्रेस दिस सिचुएशन इन एन इक्वेशन, हम इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है। इफ कॉस्ट ऑफ वन शर्ट इज एक्स, ये गिवन ही लेख है, हमें एज्यूम ही नहीं करना पड़ेगा कि भैया कॉस्ट ऑफ वन शर्ट है ना, ये खुद कह रहा है कि भैया आपको रुपीज एक्स मानना है, लेकिन तो दो शर्ट ली हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यह क्या करूंगा, भैया टू शर्ट है यानी कि एक शर्ट का एक्स है, दूसरे का भी एक्स होगा, राइट। और वो कह रहा है कि जब उसने 500 दिया ना, तो 100 रुपीज जो है वो उसने रिटर्न कर दिया, यानी कि दोनों जो कॉस्ट है दोनों शर्ट की, उसमें 100 रुपीज जोड़ने पर 500 आया, करेक्ट। ये एक्स और एक्स क्या हो जाएगा, 2x, राइट, 2x प्लस में 100 इज इक्वल टू 5। ये तो एक्सप्रेशन आ गया। ये मैंने 100 क्यों ऐड किया है, क्योंकि इसने 100 रुपीज है ना वापिस कर दिया, 500 में से ये चेंज हुआ था। लेकिन अगर हम इसको सोल्व करने के लिए कोई कहे, तो सॉल्यूशन जो करेंगे वो ऐसे करेंगे कि सबसे पहले ये 100 है वहां ले जाएंगे, 500 में से 100 माइनस कर देंगे और 2x इज इक्वल टू 400 आ जाएगा, और ये x होना, ये 400 को 2 से डिवाइड करने पर, यानी कि 200 जो है वो रुपीज उसकी कॉस्ट है। बट हमारा क्वेश्चन तो यहीं तक था। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं जो ये दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। कहता है कि भाई 6 ईयर्स अगो, अगो का मीनिंग होता है हमें माइनस करना है, राहुल वॉज 12 ईयर्स ओल्ड, हाउ ओल्ड इज राहुल नाउ, इसका मीनिंग है प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, भाई प्रेजेंट एज ऑफ राहुल जो है वो मैंने ले ली एक्स ईयर्स। अब मैं इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग है ना वो अपने एक्सप्रेशन बनाता हूं। कहते हैं 6 ईयर्स अगो, तो 6 ईयर्स अगो अगर मैं राहुल की एज लिखूं, तो राहुल की एज में मुझे अगो का मीनिंग आ गया, मुझे माइनस करना है, तो ये लीजिए एक्स माइनस 6 कर दी। लेकिन कहता है वो तो 12 ईयर्स ओल्ड था उस टाइम पे, तो इसका मीनिंग जो एक्स माइनस 6 है ना, ये 12 के बराबर कर दिया मैंने, तो ये तो मेरी एक्सप्रेशन बन गई। अब मुझे सिंप्लीफाई करना है, तो माइनस 6 को वहां लेके जाऊंगा और 12 प्लस में 6 कर दूंगा, तो आंसर हो गया 18 ईयर्स। ये मुझे क्वेश्चन में पूछा गया था। आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, बी 18 में से 6 माइनस करने पे क्या 12 आ रहा है, बिल्कुल 12 आ रहा है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ विद दिस आवर चैप्टर इज ओवर, सो थैंक यू वेरी मच।